लग रहा है ना सही, और फीका इसलिए लग रहा है क्योंकि उस पे पॉल्यूशन की, धुएं की, धूल की एक चादर सी बिछ गई है। क्या बात, क्या बात। उसी स्थिति पे एक गीत लिखा है बहुत दिल से। तो गीत कुछ ऐसा है कि आसमान में धूल की चादर, गंदगी से भरा है सागर, हर एक सांस है लगता, जिंदा रहना बोझ है लगता, लाखों रोग नए हैं पाले, साफ हवा के पड़ गए लहले, देख धुएं के उठे बवंडर, सांस बिना ले पाते बंदर, गुटी हवा जाती है अंदर, कैसे साफ करे ये मंजर, खास खास कर बुरा है हाल, आंखें जलकर हो गई लाल, कुछ तो रैन कर मेरे भाई, वरना रो पड़ेगी धरती माई, रो पड़ेगी धरती माई, रो पड़ेगी धरती माई, रो पड़ेगी। साफ हवा से कतरा रहा है, जानवर, इंसान, सब लोग। दोस्तों, हम अपने अधिकार तो बहुत जानते हैं, लेकिन जैसे ही बात हमारे कर्तव्य पर आती है तो हम अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे भागते हैं जैसे धरती पर केवल स्वर्ग भोगने आए हो और आने वाली पीढ़ी को नरक की सजा देनी हो। आइए आपको आईना दिखला दे और उम्मीद करते हैं कि अपना ये भयंकर रूप देखकर आप ये बात अच्छे से समझ लेंगे कि अगर सांस लेना हमें तो उसे साफ करना हमारी जिम्मेदारी। अरे भैया चाय लगाइए, अदरक डाल। हाँ भैया लगा रहे हैं। भैया क्या बताएं, इस पॉल्यूशन ने ना जीना हराम कर रखा है, एक सांस भी नहीं ली जाती। सही, बिल्कुल सही बोला भैया आपने। एक ये पॉल्यूशन के चक्कर में सर में बहुत दर्द है और ये फेफड़े और लंग्स मानो फट के बाहर आ जाएंगे यार। अरे भैया आप जो सिगरेट पी रहे हैं उससे तरफ पॉल्यूशन हो रहा है, वो उसका क्या इससे? हाँ भैया सिगरेट से। या इतने धुएं से कौन सा ये आसमान तारा हो रहा है, है? इतना चलता है। अरे राम बचा ऐसी जिंदगी से, एक तो घर में चूल्हे का धुआं बदन में घुसता है, ऊपर से बाहर इतना धुआं देखकर ऐसा लगता है कि सारा धुआं तुम्हारी फटपटी ने कर रखा है। क्यों जी इसे किश्तों में क्यों जला रहे हो? एक काम करो ना, एक बार में जला कर राख कर दो तुम। अरे बाबा आदम के जमाने की है ये, शादी पर खरीदी और अब तो बच्चों के भी बच्चे हो गए। अरे कब रिटायर करोगे तुम इसे? रिटायर ए, कैसे कैसे रिटायर कैसे, तुम्हारी भी तो रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, तुम्हें करा रिटायर? भूल गई, मायके चली गई थी मुझे छोड़कर, तब कौन था मेरे साथ, ये स्कूटी थी मेरे साथ, ऐसे कैसे रिटायर कर दूं? अरे तो कहां की बात कहां ले जा रहे हो, मैं तो केवल इतना कह रही हूं कि ये धुआं, ये कहां धुआं, ये प्रदूषण, अरे इसका क्या, अरे कम से कम सर्विसिंग तो करा लो तुम। तुम्हारी विस्फोटक बातों से कम धुआं निकलता है, और वैसे भी सर्विसिंग के पैसे नहीं है, और जरा सा तो धुआं निकालती है बेचारी। अरे इतना चलता है। बोलिए। कंस्ट्रक्शन का काम तो मना है इस बढ़ते प्रदूषण की वजह से। बेचारे लेबरों का भी खास खास के बुरा हाल हो रहा है। तो अगर आप कहें तो काम जारी रखें कि रुकवा दे? मरगट मरे कंटा पकड़ के हैं, रुकवा दे। इसलिए तुम ठेकेदार का ठेकेदार ही रहे हो। इधर आओ, एक बात बताओ, अगर काम जारी रहेगा है तो देश का विकास होगा, देश का विकास होगा तो हमारा विकास होगा तो तुम्हारा भी तो विकास होगा है। और एक बात बता दे, गाड़ी से लेकर बाथरूम तक एयर पोल्यूशन मंगा लिया है, तुम्हारे लिए भी मंगा देंगे। और वैसे भी तुम हमारी आर्थिक विकास पे आड़े आ सकते हो। नहीं ना, इतना चलता है। जी बिल्कुल ठीक कहा, इतना चलता है। फैक्ट्रियों से काला धुआं निकले, इतना चलता है। कंस्ट्रक्शन साइट से धूल निकले, इतना चलता है। ट्रांसपोर्टेशन से प्रदूषण हो, इतना चलता है। लेकिन अगर ये चलता रहा तो हम कितने दिन चलेंगे उसका कोई हिसाब नहीं है।
दोस्तों जहां देखे धुआं ही धुआं है। अब चाहे बात सड़कों की हो, चाहे आसमान की, चाहे हमारे घर की या खुद की सोच की, हर जगह धुएं का असर है। न जाने ये बात कोई कह नहीं रहा है या कोई समझना नहीं चाहता कि धुआं हमें बर्बाद कर रहा है और हमें इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एक बात समझने की बहुत जरूरत है हमें कि अगर सांस लेना हमारा हक है तो उसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। अरे भाई बाहर तो जा नहीं सकता, कितने खराब हो गए। एक टीवी देख लेता हूँ, ये टीवी कहाँ रख दिया। आज की खबरें क्या है? नमस्कार दोस्तों, खबरदार न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अभी हमें खबर मिली है कि हमारा देश एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है। जी हाँ, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी, और उस बीमारी का नाम है जैसा चल रहा है चलने दो। जी हाँ दोस्तों, पराली जलाने के कारण दिल्ली NCR का हाल हुआ बेहाल। हर जगह सिर्फ धुआं ही धुआं। किसानों से पूछने पर मिला एक ठोस जवाब कि जैसा चल रहा है चलने दो। दोस्तों माना ये जा रहा है कि सबसे ज्यादा प्रदूषण इंडस्ट्रीज फैला रही है, तो उनके यहाँ लगी चिमनियों का जब निरीक्षण हुआ तो ये पता लगा कि सारे के सारे बिल्डर्स खराब है। और जब उनके मालिकों से पूछा गया तो एक ठोस जवाब मिला कि जैसा चल रहा है चलने दो। सिगरेट पीने वालों की संख्या में कटौती दर्ज की गई। सबका यही कहना है कि बिना पिए भी पी ही रहे हैं। तो बैको इंडस्ट्रीज से पूछा तो एक ठोस जवाब मिला कि जैसा चल रहा है चलने दो। अस्पताल के बाहर लगी लंबी कतार, लंग पेशेंट्स ने रखी अपनी किडनी तक उधार। डॉक्टरों से पूछने पर मिला एक ठोस जवाब कि जैसा चल रहा है चलने दो। दोस्तों एक बड़ा ही दर्दनाक आंकड़ा सामने आया। दिवाली के अगले दिन कई जानवरों को मरा हुआ पाया। ये बातें सुनकर हमारे कान और हमारी आंखों से खून भर आया। और जब पुलिस और लोकल अथॉरिटी से पूछा गया तो बड़ा ही ठोस जवाब आया कि जैसा चल रहा है चलने दो। अच्छा हुआ मैं बाहर ना जा सका। अरे बाहर जाकर करता भी क्या, बाहर तो मौत है मौत। अरे जो माँ अपने बच्चों को कहा करती थी कि बेटा जा बाहर जा थोड़ा खेला, आज वही माँ अपने बच्चों को रोक रही है इस जहर के कारण। बड़े बुजुर्ग अब मॉर्निंग वॉक से घबराते हैं। चलिए इंसानों का छोड़िए, ये जानवर, इन जानवरों की क्या गलती है? अरे भगवान ने हवा दी, इंसान ने खराब की, तो इन जानवरों का क्या दोष है? अरे मेरे भाई जैसा चल रहा है उसे वैसे मत चलने दो, कुछ बदलाव लाओ, बदलाव उसे ठीक करो मेरे भाई, उसे ठीक करो। दोस्तों इसे ठीक करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस इंडस्ट्री से गुजारिश है कि वो अपनी चिमनियां साफ रखे, उनके फिल्टर साफ रखे। ये छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा साबित होगा। दोस्तों आप सबसे एक गुजारिश है, जब जहाँ कहीं भी रह रहे हो अपने आसपास के एरिया में पेड़ पौधे लगाएं, जिससे हवा शुद्ध रहे और एयर पोल्यूशन कम से कम हो। दोस्तों कभी भी सूखा कूड़ा और पत्तियां ना जलाएं, और अगर किसी को ऐसा करते देखते हैं तो उसे जरूर रोकिए, क्योंकि ऐसा करने से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें आती हैं जो हमारे गले, हमारे फेफड़ों को और हमारी आंखों को परेशानी देती है। दोस्तों अब समय इगोइस्टिक होने का नहीं है, ये समय एक दूसरे के साथ से पोल्यूशन कम करने का। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कारपूलिंग। कारपूलिंग से केवल प्रदूषण कम नहीं होता बल्कि ट्रैफिक भी कम होता है, और तो और पेट्रोल और डीजल जैसे फ्यूल्स का भी कम इस्तेमाल होता है। दोस्तों आप सभी से दरख्वास्त है कि समय समय पर अपनी गाड़ियों और टू व्हीलर्स का पोल्यूशन चेक जरूर करवाएं। इससे मेरा या आपका नहीं, हम सभी का फायदा होगा। दोस्तों हमारे किसान भाइयों से एक छोटी सी विनती है कि फसलों को काटने के बाद जो पराली बचती है उसे जलाने के बजाय किसी पशुपालक को दे दिया जाए, जिससे आप भी दो पैसे कमा लेंगे और इस एनवायरनमेंट को भी साफ रहेंगे। एक तरीका और है प्रदूषण कम करने का, हमारे घरों में जो कूड़ा प्रोड्यूस होता है उसे कम से कम करने की कोशिश करें, और प्लास्टिक को कभी जलाएं ना, क्योंकि उससे नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं। दोस्तों प्रदूषण कम करने के लिए माइनिंग साइट भी बड़ा योगदान दे सकती है। गड्ढा खोदने के बाद मिट्टी को वापस गड्ढे में ही डालें और आसपास पानी का छिड़काव करें ताकि जो धूल उठती है वो वहीं की वहीं बैठ जाए। तो दोस्तों हमें एक बात समझनी होगी कि अगर सांस लेना हक है तो उसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी।